हाँ, सो हमने ये रिएक्टिविटी सीरीज देखी एंड वही चीज लिखी हुई है कि HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CuNO3 N2O, ओके, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। अगेन वही हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बन जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक्टिविटी। टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड, तो क्या बनेगा भाई? H2 की जगह CO2, H2O और सॉल्ट। यस, ओके, चलो सोडियम कार्बोनेट ले लो और सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, वो वही चीज है कि भाई डाइल्यूट HCl डाल दिया है, ओके, तो मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड, ओके, वही चीज। तो क्या हुआ, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होगा और वो यहाँ से इसके अंदर डिलीवर करवाया गया है। पहला क्वेश्चन, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन द सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ट्रीटेड विद द HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, राइट, जनरल वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन मतलब यही जो तुम लिखते हो कि भाई एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ऐसे वर्ड में लिखोगे कार्बोनेट दैट विल गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये वर्ड, और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में HCl लिया था ना, HCl लिया है ना, तो HCl प्लस Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, तो क्या सॉल्ट बनेगा, यहाँ से क्लोराइड NaCl बनेगा और क्या, ओके, प्लस CO2 प्लस, ओके, तो ऐसे ही लिखना है। सो वही चीज लिखी हुई है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ COH ट्वाइस लाइम वाटर, याद रहना है तो, ओके, और CO2 चेंजेस द, व्हेन CO2 पासेस थ्रू द लाइम वाटर इट चेंजेस द कलर टू, ओके, और हाँ, तो हाँ, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन, ओके, एक रेयर क्वेश्चन जो पूछा जा सके वैसा, क्या है, वॉट इज दी सॉल्युबिलिटी ऑफ CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन वाटर, तो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, और अगर सोडियम की बात करें तो वो बहुत ही कम सॉल्युबल होता है, सोडियम बहुत कम सॉल्युबल होता है और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल होता है, तो वेरी रेयर, कोई रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, बट फिर भी अगर क्वेश्चन दिया है तो ऐसे हम याद रख सकते, ओके, कि वो बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल, मतलब ऐसे डाला और सॉल्युबल हो गया, और वेरी लेस सॉल्युबल मतलब क्या, डाल रहे हो तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हुआ, ज्यादा कुछ सॉल्युबल हुआ, डिजोल्व हुआ नहीं, अंडरस्टूड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगेन वही चीज है, विच प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लेस प्रोपोर्शन एंड इन एक्सेस प्रोपोर्शन इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड पास करे तो CaCO3 मिलता है, कब, जब ज्यादा क्वांटिटी में हो, ओके, सॉरी, जब कम क्वांटिटी में हो तो CaCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसके यूज बहुत ज्यादा व्हाइट शेल, ओके, कोई क्वेश्चन तो ऐसा भी, वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, कई कई बार ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम पढ़ रहे हैं वही, लेकिन इतना डिटेल्ड के हम सोचेंगे अच्छा इसमें से क्वेश्चन निकाला हुआ है,
विल डिस्कस ओके, बट ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें तुम्हारा ध्यान हो वो याद रहे तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल इन द सेंस से केमिकल फॉर्मूला लिखना है, बट किसका लिखना है वो तो पता चलना चाहिए। हाँ, सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लेस प्रोपोर्शन इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके सॉल्यूशन में से पास किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर। यस ओके, सो द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द लाइमस्टोन। ये भी कॉमन नेम याद रखना, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। ओके, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेस क्वांटिटी में CO2, कैल्शियम कार्बोनेट H2O। इफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओके थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन। सॉल्युबल सॉल्ट ओके, वाटर सॉल्युबल, ये CaCO3 की जगह CaHCO3, मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जो ये प्रेसिपिटेट है मतलब के पूरा सॉल्युबल नहीं हो रहा है, इसलिए दिखता है। जैसे कि पानी है उसमें तुमने सैंड डाल दी है तो नीचे दिखेगी, ओ ये सैंड क्यों, अंदर डिसॉल्व नहीं होगी ओके, बट ये सॉल्युबल है, मतलब कि पानी है और उसमें तुमने बहुत ज्यादा नमक डाल दिया तो दिखेगा तो सही, लेकिन थोड़ा ही ऐसे स्टर करोगे तो अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, फिर नहीं दिखेगा। तो वाटर सॉल्युबल है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 ट्वाइस है, HCO3 ट्वाइस, फॉर्मूला याद रख लेना ओके। क्यों ट्वाइस है, क्योंकि Ca+2 होता है ना, कैल्शियम 20 है तो 18 के बाद आर्गन के बाद दो आएंगे ना, एटॉमिक नंबर 20, 2 Ca+2 ओके। तो ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, लेस CO2 हो तो क्या होगा और ज्यादा CO2 हो तो क्या होगा। लेस CO2 में हमें पता है वही होगा, कार्बोनेट बन जाएगा ओके, बट मोर CO2 हो तो बाइकार्बोनेट बनेगा। हाउ डज कैल्शियम कार्बोनेट ऑकर इन नेचर, इन विच फॉर्म डज द कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबल इन नेचर, यहाँ भी क्वेश्चन हो सकता है, नेचर में कहाँ कहाँ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वेरियस फॉर्म में होते हैं, लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2 नहीं, वो तो लाइम वाटर, लाइम स्टोन, स्टोन मतलब अभी देखा ना हमने कहाँ गया, CaCO3 गिरा, लाइम स्टोन ओके, CaCO3 लाइम स्टोन, CaOH2 लाइम वाटर ओके। तो लाइम स्टोन, चौक, मार्बल्स, ये मार्बल्स ओके, कोरल्स एंड सी सेल्स, सी सेल्स तुम्हें पता ही होगा ओके, वो छिपला और स्नेल, शंख, वो सबको ही सी सेल, CaCO3 किसका, चौक का, हाँ मतलब सबका ही CaCO3। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ऑकर्स इन वेरियस फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स है, सबका ही केमिकल फॉर्मूला CaCO3 ही लिख सकते हो तुम, सबका ही ओके। सो कोरल्स क्या है पता है, पानी में होती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो एनिमल कैटेगरी में आती है, बट वो एग्जैक्टली एनिमल मतलब लॉजिकली साइंटिफिक वे में हम उसको एनिमल बोलते हैं, अदरवाइज एनिमल के तौर पे वो चलती फिरती नहीं होती है, पर्टिकुलरली एक जो लेयर होती है वहां पर वो डेवलप होती है, और प्लांट भी नहीं बोल सकते क्योंकि प्लांट के जैसे वो अपना खाना खुद नहीं बनाती है ओके। तो वो डिपेंडेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी के ऊपर ओके, तो वो ही उसका खाना है। तो कोरल जैसे कि तुम, जरूरी नहीं है पानी पे, लेकिन जहां पानी हो वैसे रॉक्स पे, जैसे कि समुन्द्र किनारे आइलैंड है ओके, यहाँ पानी है और ये आइलैंड है, तो आइलैंड के ऊपर ऐसे वाइटिश वाइटिश ऐसे दिखेगा। जस्ट मार्च में मैं गया था तो मैंने देखा था, हम स्कूबा डाइव करने गए थे, तो उन्होंने बोला ही था कि भाई अभी बोट में हो तुम लोग, कभी भी ऐसे तैरते तैरते जाओ तो आइलैंड पे जाने की ट्राई मत करना, तुम्हें लगेगा वो लैंड पे आ गए, लैंड पे आ गए, नजदीक ही मतलब तुम यहाँ तैर रहे हो और ये आइलैंड है, तो तैरते तैरते ऐसे चलो बैंक पे थोड़ी देर आराम करते हैं, बैठते हैं, वो वाइटिश वाइटिश जो है ना वो चिपक जाएगा बॉडी पर ओके, और फिर वो इचिंग इफेक्ट देगा, कभी कभी
बहुत ज्यादा हैजार्डियस भी हो जाता है, हमें नहीं पता कौन से। और ओशन के कितने एनिमल्स ऐसे होते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो है, तुम्हारे साइड में है ऐसे तो ऐसे लगेगा पत्थर है, प्लांट है, लेकिन वो एनिमल है वैसे नहीं। कई स्नेक भी वैसे कलर के होते हैं तो पत्तों के अंदर वो पता ही नहीं चलता कि यह स्नेक है। ओ भाई ऐसे चलो, तो वो है कोरल्स। तो वो कोरल्स भी है क्या, उसका जो लेयर है कोरल्स का ऊपर का वो क्या है, CaCO3। ओके, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में से पास हो तो कैल्शियम हमें मिल रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से पास करे तो कैल्शियम कार्बोनेट, ज्यादा क्वांटिटी में पास करे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब वही बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करे थ्रू एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट में से पास करो। ओके, सोडियम कार्बोनेट बनाना नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है उसमें से हम पास करेंगे। देन आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें से पास करेंगे। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन वॉटर, यही क्वेश्चन था ना, फ्रॉइड द क्वेश्चन, हाँ वही क्वेश्चन है। सो व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड। ओके, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये रहा फॉर्मूला, याद रख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हमने क्या देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से कम CO2 पास किया तो कैल्शियम कार्बोनेट, ज्यादा CO2 पास किया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्या देख रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। सोडियम देखो दो में चेंज है एक्टिविटी में, सोडियम ये एक्टिविटी नहीं, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तुम्हें गिवन है कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें से एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करे तो हमारा बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3, और वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, वेरेस जो हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला है वो तो बहुत हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो दीज आर, जैसे बीच में वो एक रेयर क्वेश्चन बताया था वैसे ही एक रेयर क्वेश्चन है, आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। जनरली ऐसा करते हैं कभी कभी पेपर को टफ बनाने के लिए, इतना रेयर तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन डाल देंगे, बट डिट्टो उठाएंगे नहीं। यही मैं पहले तुम्हें बताने की ट्राई कर रहा था कि पर्टिकुलरली CBSE में ऐसा नहीं है कि पूरा ही चेंज किया है, लेकिन थोड़ा बहुत सब कुछ चेंज कर दिया है। जैसे वो तुम्हारे assertion and reasoning वाले जो क्वेश्चन थे तो वो उसका वेटेज बढ़ गया है। ओके, मतलब पहले दो या तीन होते थे, अभी चार आएंगे 20 में से, MCQ में भी आएंगे, एज वेल एज केस बेस्ड स्टडी जो है लॉजिकल क्वेश्चन उसकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है। ओके, जो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं वो लास्ट ई सेक्शन। हाँ बोलो अब तो शायद ही वैसा हो, वो तो थोड़ा कोविड का टाइम था, स्कूल सही चल नहीं रही थी एंड ऑल, तब MCQ को ज्यादा वेटेज दिया था। अब अभी जो सिनारियो है उसके बेस पे वो पॉसिबल नहीं लग रहा। ओके, ये देखा, हाँ, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो वही चीज, फेनिल डाला ये वो, थोड़ी एक्टिविटी डिफरेंट है। टू स्टडी द रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, पहले NaOH लिया, देन उसमें दो बूंद डाल दी फिनोफ्थैलिन की, क्या होगा, दो बूंद जिंदगी की, बोलो। NaOH में फिनोफ्थैलिन डाल दिया तो क्या होगा, पिंक कलर होगा,
या कलरलेस? पिंक कलर होगा, क्योंकि बेस में डाला है ना, पिंक कलर हो जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। ऑब्जर्व द कलर चेंज, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबोव, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है ब्यूरेट पिपेट। ओके, तो नहीं किया होगा तुमने एक्सपेरिमेंट, लेकिन आगे करोगे, दिस ईयर भी एटलीस्ट दिखाएंगे तुमको। ओके, तो जैसे जैसे तुम डालोगे ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl, तो वो पिंक कलर का है नीचे। जैसे ही डाला ना, जहां वो ड्रॉप गिर रहा है ना, वहां पे कलरलेस हो जाएगा, और फिर वापस तुम ऐसे स्टर करोगे ना, तो वापस पिंक कलर आ जाएगा। फिर वापस ड्रॉप, तो जहां गिरा वहां पे कलरलेस, फिर वापस पिंक कलर। वैसे करते करते जाओगे तो एक टाइम आएगा कि पूरा जो पिंक कलर है ना, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसका कलर पहले से पिंक ही होता? नहीं, पहले से पिंक नहीं, हमने डाला ना फिनोल फ्थेरिन, NaOH में फिनोल फ्थेरिन डाला, तो पिंक कलर हो गया। अब तुम ऊपर से एसिड डाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या होगा, वो पिंक कलर रिमूव होता जाएगा। क्यों? इसी को तो बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब बेस ज्यादा है इसीलिए फिनोल फ्थेरिन पिंक कलर दे रहा है, लेकिन एसिड ज्यादा हो तो कलरलेस। ओके, तो वो एसिड हम डालते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि बेस जितना है एसिड कम है, तो अभी भी वो पिंक कलर शो करेगा। लेकिन एसिड और बेस सेम जैसा हो जाए, फिर तुम डालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Why did the color of phenolphthalein change? Okay, now, so, चलो question. हाँ, what happens when an indicator phenolphthalein is added to the NaOH solution? Pink color. Okay. What happens when few drops of HCl are added in the solution of NaOH and phenolphthalein indicator? थोड़े तो pink color disappears. धीरे-धीरे disappear होना start करेंगे. Write only the name of the reaction occurring between acid and base, जिसको बोला जाता है neutralization reaction, याद रखना, क्योंकि already base है, base में हम acid डालेंगे, तो वो base में acid डालो या acid में base डालो, उसको बोला जाएगा salt and water बनेगा, वो सही है, but वो reaction को क्या बोलेंगे, neutralization reaction, understood? Okay, ये रहा chemical equation, NaOH हमारे पास था और फिनोल्फ्थेलिन हमने डाल दिया। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, HCl, NaCl बनेगा और पानी, नमक वाला पानी बन जाएगा। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया वही लिख देना है। उसके जैसा ये दूसरा, बेस चेंज कर दिया क्या, KOH, HCl की जगह H2SO4, कोई बात नहीं, एसिड का नेगेटिव उठाओ, फॉर्मूला तो हमें बनाना आना ही चाहिए, एसिड है ये, उसका नेगेटिव उठाओ SO4, इसका पॉजिटिव उठाओ K, तो K2SO4 और डन। हमेशा यही करते हैं, ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, इन शॉर्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस। What change in color takes place on adding dilute HCl in the mixture of NaOH and phenolphthalein? Colorless बनता जाएगा। Reason क्या है? Reason क्या है? Already neutralization हो रहा है, वही reason है। Okay, so pink color of the solution, neutralization of a base by added acid, वही। Okay, next, reaction of metallic oxide with acid, चलो भाई याद आ गया, metallic oxide, non-metallic oxide. मेटालिक ऑक्साइड होंगे, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं? पक्का। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, वेरी गुड। चलो हाँ, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है भाई, एसिडिक या बेसिक नेचर में? एसिडिक। क्यों? क्योंकि वो मेटालिक ऑक्साइड है ना, कॉपर मेटल है। नॉन मेटल के लिए मैंने बताया था कौन कौन से, ऑल गैसेस एंड और बोलो जो सॉलिड फॉर्म में हो सके, वो तो तीन याद रखने थे, सल्फर कार्बन फॉस्फोरस। यस, हाँ, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइज स्टरिंग, नोट द कलर, यही पढ़ रहे हैं, हाँ यही पढ़ रहे हैं। ओके,
तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करो, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक राइट, मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं ना, तो बेसिक प्लस एसिड, तो एसिड प्लस बेस हो गए हैं, वाटर एंड सॉल्ट। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। ओके, सबसे पहले कॉपर पाउडर का कलर याद रख लो, काले कलर का होता है, कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है। सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर, याद रख लेना। किसकी वजह से, चलो रिएक्शन बताओ, कैसे रिएक्शन, क्या लिखूं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, करेक्ट, CuCl2 प्लस H2O। तो भाई इसका कलर है ब्लैक और इसका कलर है ब्लू ग्रीन, किसका, कॉपर क्लोराइड का कलर, इसीलिए हमें वैसा दिख रहा है। हाँ 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 बया तो अनबैलेंस है, दिस इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके अनबैलेंस है, तो वो तो तुम जैसे करो वैसे यहाँ पे टू कर दोगे, तो कॉपर एक है यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर एक है वहां पर भी एक है, दो हाइड्रोजन क्लोरीन दो, हाँ तो अब ये टू, तो ये बैलेंस हुआ, हम तो कहाँ बैलेंस किए अभी तक सारे अनबैलेंस लिखे हुए हैं। हाँ वैसे तुम लिख सकते हो बैलेंस। चलो स्टेट द रीजन, लेकिन एग्जाम में तुम अनबैलेंस लिखोगे तो चलेगा, हाँ तुम्हें पता है डायरेक्टली नोट हो रहा है तो लिख दो फटाफट, ओके, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसमें गलत नहीं कर देना है। तुम ये बैलेंस नहीं करोगे और सिर्फ HCl का HCl रखोगे फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स, बट CuCl2 की जगह तुमने ऐसा लिखा CuCl तो कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस टू है और ये माइनस वन है, तो वहां दो चाहिए, तो प्लस टू माइनस टू होगा, समझ में आया, ओके। स्टेट द रीजन ऑफ ब्लू ग्रीन कलर, भाई ये इसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से, ओके इन द रिएक्शन। चलो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉपर क्लोराइड, हो गया ये भी हो गया, ओके चलो नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO HCl कॉपर क्लोराइड, क्यों उसकी वजह से ही कलर चेंज हुआ, सब कुछ सेम ही है। चलो आगे, व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिक ऑक्साइड, हाँ बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड, तो जो हमने देखा वही, उसका एक और डेफिनेशन तुम लिख सकते हो क्या, कि जो जिसको तुम पानी में डालो और बेस बन जाए उसको बोलते हैं बेसिक एसिड। अब बेसिक ऑक्साइड्स, कोई भी ऑक्साइड है मेटल के हो नॉन मेटल के हो, हमें अभी नहीं पता किसके हैं, लेकिन ऑक्साइड है मतलब ऑक्साइड जुड़ा हुआ है वो एलिमेंट के साथ, और उसको तुमने पानी में डाला तो क्या बन गया, बेस बन गया, अंदर बेस बन गया। तो जो तुमने लिया था पहले पानी में जिसको डाला उसको क्या बोला जाएगा, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि पानी में डालने से नीचे अंदर बेस बन गया ना, ऐसा समझो कि सोडियम ऑक्साइड है, क्या है, सोडियम ऑक्साइड Na2O है सोडियम ऑक्साइड, उसको मैंने पानी में डाला और NaOH बन गया, H2O तो है ही अंदर, Na2O डाला Na2O, हाँ तो NaOH बन गया, तो ये जो NaOH है वो बेस है, तो Na2O को डालने से NaOH बना है, इसीलिए Na2O को क्या बोलूंगा मैं, बेसिक ऑक्साइड। वही तो हमारी हमने वही तो लर्न किया था, मेटालिक ऑक्साइड, तो Na क्या है, सोडियम का है, मेटल ही तो है, तो मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन ये दूसरी डेफिनेशन भी तुम लिख सकते, ये एक डेफिनेशन कि जिसको पानी में डालने से वो बेस बन जाए
तो उसको बोला जाएगा बेसिक ऑक्साइड. अदरवाइज विच बिहेव्स एज अ बेस, द ऑक्साइड्स विच बिहेव एज अ बेस व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी विद द एसिड, देन इट इज सेड टू बी द बेस, बेसिक ऑक्साइड. तो वो डेफिनेशन लिखो या ये डेफिनेशन. तो बेसिक ऑक्साइड क्या है? द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद द वाटर to form the bases are called basic oxides. Metal oxides are basic as they form the base on the reaction with the water. Wahi equation hai log. Arre exact wahi equation. Na2O H2O mein dal diya. Done. Ye sare hain. Sodium oxide, magnesium oxide, calcium oxide, barium oxide. Samajh mein aaya? Okay. थी समझ में आ रहा है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद द बेस. तो अब नॉन मेटालिक कौन? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे नेचर में? हाँ गैस वाले, बट नेचर में कैसे होंगे? एसिडिक होंगे. यस. तो व्हाट आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स? तो भाई अभी जैसे पढ़ा था वैसा ही, जिसको पानी में डालने से एसिड बन जाए वो एसिडिक ऑक्साइड. जिसको पानी में डालने से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन का ऑक्साइड ही है, कार्बन नॉन मेटल है. तो उसको पानी में डाल दोगे तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा, H2CO3. समझ में आ गया? तो एसिड बना तो जो CO2 है उसको क्या बोलेंगे हम? एसिडिक साइड और नॉन मेटालिक. समझ में आ रहा है पक्का? ओके. सो द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म एसिड उसी को बोलेंगे नॉन मेटालिक. जैसे मैंने CO2 का बोला वैसे ही यहां पर SO2 का बोला है. सो H2SO3 आया, देखो सल्फ्यूरस एसिड. H2SO4 सल्फ्यूरिक, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड. ओके. पर जो मैंने तुम्हें CO2 का बोला वो भी तुम लिखना हो तो लिख सकते हो. नॉन मेटालिक ऑक्साइड के दूसरे एग्जाम्पल्स है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, और इसको बोला जाता है डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड. याद रहे वैसा है, वैसे कुछ है नहीं. दो को डाई बोला जाता है, टू को डाई बोला जाता है, और तीन को ट्राई बोला जाता है, चार को टेट्रा बोला जाता है, पांच को पेंट और पेंटा बोला नहीं, मैट्स में हम नहीं देखते थे ये. ओके. सिक्स को हेक्स और हेक्सा बोला जाता है, सेवन को हेप्ट और हेप्टा बोला जाता है, एट को ऑक्ट बोला जाता है. तो ये देखो सेवन. सो डाइक्लोराइन हेप्टो ऑक्साइड. ओके. वो तो अभी हमें ऐसे सीखना नहीं है, बट इजी है, कुछ ऐसा है नहीं नाम याद रख. ओके. इंटेक क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, एक्टिविटी अभी कंप्लीट करते हैं. तो हम आए हैं एक्टिविटी 2.8. चलो क्या कॉमन है भाई दोनों में? टू स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस. एक क्लोरालकली प्रोसेस देखा था हमने, नमक वाले पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो क्लोरीन हाइड्रोजन और क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके. तो चलो अरेंज द एपरेटस एज सोन. ऐसे एपरेटस को सेट करो, इंस्ट्रूमेंट क्या है? बीकर है. बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क, मतलब के बूच जिसे हम बोलते हैं, वो रखा हुआ है रबर का. उसके ऊपर दो नेल्स खिली ऐसे करके डाल दी गई है. ओके. अब वो जो खिली है उसके ऊपर ये हमारा वायर से कनेक्ट कर दिया गया है स्विच, बल्ब एंड बैटरी. छोटी सी बैटरी है 6 वोल्ट की. समझ में आया? ये किया हमने, स्विच भी लगाई हुई है, बल्ब भी लगाया हुआ है, ऐसे लगा दिया. अब हुआ क्या, ये जो अंदर सॉल्यूशन है उसमें हम डिफरेंट सॉल्यूशन फील करेंगे, एसिडिक बेसिक, वो सॉल्यूशन डालेंगे, देखते हैं कि क्या होता है. बल्ब कब ग्लो होता है?
कब ग्लो नहीं होता है, क्यों नहीं ग्लो होता, वो सब हमें देखना है। ग्लो कब होगा, बेसिक फंडा इलेक्ट्रिसिटी हमें फिजिक्स में पढ़नी है, साइंस में। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तभी तो ग्लो होगा बल्ब। तो इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, जब आयंस होंगे। आयंस जो आयंस है, आयंस मतलब कि H प्लस हो, H माइनस, हम आयन नहीं देखे थे H प्लस आयन, OH माइनस आयन। इलेक्ट्रिसिटी में हम उसी को टर्मिनोलॉजी में हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में। सो ये जो आयंस है, अगर फ्री आयंस होंगे तो बल्ब ग्लो होगा, अगर फ्री आयंस नहीं होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। जैसे मैंने तुम्हें कल ही बताया था, जिसके अंदर एच आए दैट डज नॉट मीन कि वो एसिड है। और एग्जांपल मैंने दिया था से मिथेनॉल, इथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला है से CH3OH, इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। इतना HH है तो क्या वो एसिड है, नहीं एसिड है नहीं। ओके, सो एपरेटस सेटिंग समझ में आ गया। बीकर है, उसके अंदर एक कॉर्क बूच रखा हुआ है रबर का, उसके ऊपर खीली नेल्स डाली हुई है, वो दोनों नेल्स, ये नेल्स है, तो इसके ऊपर एक वायर बाहर लिया, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, स्विच कनेक्टेड है, स्विच के बाद जो वायर आया उसको एक दूसरी नेल यहाँ पर है वो यहाँ पर डाली हुई है, दैट्स इट। और अंदर हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं अलग अलग, अब स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे ग्लो होता है या नहीं होता, यही हमारी एक्टिविटी है। ओके, चलो। सो गिवन इन द गिवन अरेंजमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एडेड बीकर सेपरेटली, दीज आर द ऑब्जर्वेशन, डायरेक्टली तुम्हें बता दिया गया है। HCl डालेंगे तो बल्ब ग्लो होगा, H2SO4 में भी होगा। ग्लूकोज डाला जिसका फॉर्मूला याद रख लेना है, फर्स्ट में भी आया था। ओके, फोटोसिंथेसिस वाले में C6H12O6 ग्लूकोज। ओके, वो डालेंगे तो ग्लो नहीं होगा। अल्कोहल C2, ये कौन सा अल्कोहल है, मिथेनॉल या इथेनॉल, तो अभी हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बोला ना मैं फॉर्मूला दोनों के बोला था, मिथेनॉल के भी और इथेनॉल के भी। ये इथेनॉल का है, पहला मिथेनॉल का था CH3OH, पहले मीथेन आता है फिर इथेन, वो फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। चलो, तो वो है इथेनॉल C2H5OH, अभी डज नॉट ग्लो, अभी भी ग्लो हो रहा नहीं है। NaOH ग्लो हो रहा है, CaOH ट्वाइस ग्लो हो रहा है। तो ये देखने से क्या पता चल रहा है, भाई एसिड हो तो ग्लो हो रहा है, क्यों, क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में जाएगा तो H प्लस रिलीज करेगा, तो H प्लस फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो यहां से H प्लस निकला, यहां से X प्लस निकला, तो ग्लोज होंगे। बेस होंगे तो बेस भी सॉल्यूशन में जाएगा, पानी में जाएगा, तो क्या OH माइनस रिलीज करेगा, तो OH माइनस रिलीज किया तो यहां पर भी OH माइनस आयन रिलीज, रिलीज। ये दोनों में भले ही तुम्हें O भी दिख रहा है, H भी दिख रहा है, लेकिन नहीं H प्लस रिलीज हो रहा है, वैसे का वैसा ही रह रहा है, वो टूटते ही नहीं है, वो सॉल्यूबल भी हो जाए सॉल्यूशन में बट वो टूटे नहीं है इन टर्म्स ऑफ आयन, तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, H प्लस और OH माइनस निकलता नहीं है। समझ में आ रहा है, दोनों में, ग्लूकोज में भी और अल्कोहल में भी, इसलिए वहां पे बल्ब ग्लो नहीं होता। अंडरस्टूड, ओके। उसके बेस के क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट, भाई आयंस है वैसा, द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, मतलब करंट पास हो रहा है तभी तो ग्लो होगा, तो कोई बात नहीं। By whom is the electric current carried through this? ये तो ये क्या है भाई, आयन। Mention the ion responsible for acidic, ये तो हमने देख लिया, H plus और H plus को क्या लिखा जाता है, H plus और क्या लिखा, नहीं तो वो तो कार्बनिक एसिड H3O+। इसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन, कल बताया था ना दोनों एक ही है H+ एंड H3O+। अरे यार
पता चल गया ना, हमने निकाल दिया H3O+, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाँ, while OH- ion is an aqueous solution responsible. Okay, चलो next. चलो क्या बोल रहा है? Compounds such as alcohol and glucose contain hydrogen, but they are not categorized as acids or base. Prescribe an activity to prove it. भाई अभी तो किया, वही एक्टिविटी है। Add an aqueous solution alcohol, मतलब ये बोलो कि एक्टिविटी करो, तो एक्टिविटी क्या करनी है? वही सेटअप जो अभी हमने किया, उसमें अल्कोहल डाल दो, उसमें ग्लूकोज वाला पानी डाल दो या ग्लूकोज डाल दो, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो हमने प्रूव कर लिया। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी, वही एक्टिविटी है, तो पूरी एक्टिविटी हमने कि भाई टेक बीकर एंड टेक से वुडन से रबर कॉर्क लाइक दैट, वैसे पूरा वर्डिंग में लिख देना है। ओके, इथेनॉल बीकर ऑब्जर्वेशंस बल्ब डज नॉट गो ग्लो, ओके वही है। Alcohol and glucose contain hydrogen, not categorized as acid. Okay. Distilled water does not conduct electricity, while rain water conduct electricity. Why? Simple. ये तो बहुत ही easy है. Done. आता है ये तो. Distilled water नहीं. क्यों? कल ही तो बताया था. उसमें distilled water, वो demineralized water, DM water भी बोलते हैं. सब कुछ ही निकाल दिया. उसमें से कुछ है ही नहीं अंदर. अरे अंदर कुछ भी नहीं है. कोई minerals कुछ नहीं है. सारे सब कुछ निकाल दिया. डिस्टिल्ड वाटर पूरा का पूरा, मिनरल्स ही नहीं है उसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर है। ओके, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी नहीं, क्यों भाई? आयंस ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए आयंस चाहिए, वो आयंस ही नहीं है। रेन वाटर कल ही पड़ा था, कल ही हमने डिस्कस किया था, एसिडिक रेन होता है, तो टैप वाटर बेसिक और थोड़ा बहुत एसिडिक होता है, बट रेन वाटर तो बहुत ज्यादा एसिडिक, बहुत ज्यादा मतलब पी सकते हैं, हेल्दी तो है ही हेल्थ। ये जो दूसरा था हम ऐसे ही पीते हैं, उससे अच्छा तो है। ओके, रेन वाटर इज हेल्दी। हाँ, तो वही चीज है, डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर एंड डज नॉट कंटेन आयंस, व्हाइल रेन वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज लाइक एसिड विच प्रोवाइड्स आयंस एंड दे हेल्प इन कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीजन सम कई कई जगह पर जो स्विमिंग पूल है उसमें डीएम वाटर फिल किया जाता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर, कि कोई भी हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी लाइव वायर अंदर चला जाए, तो वो जो अंदर तैर रहे हैं वो चिपक ना जाए, वो शॉक ना लगे उनको, ओके, करंट अंदर से पास ना हो। बट अगर नॉर्मल वाटर फिल कर दिया है और अगर वहां लाइव वाटर गया, तो भले ही वो वहां तैर रहा है और तुमने यहां वायर डाल दिया, शॉक लगेगा। और कैसा शॉक लगेगा? वैसे तो यहां पे तुमने शॉक लगा और हार्ट ले लिया, बॉडी हट गई, तो अब तुम डिटैच हो गए, यहां पर तो तुम पूरे के पूरे पानी में ही पड़े हुए हो, बाहर कैसे निकलोगे? ओके, तो डेथ। इसीलिए जनरली डीमिनरलाइज वाटर फील किया जाता, जनरली नहीं, कई जगह कोई नहीं करता ऐसे, जनरली में नहीं होता, बहुत हाई प्रोफाइल स्विमिंग पूल्स होते हैं, महंगे, मेंबरशिप भी महंगी, वहां पे ऐसा होता है। लेकिन ऐसे एक्सीडेंट भी ऐसे थोड़ी कि रोज होता है कुछ, और एक्सीडेंट भी कैसे भी एक्सीडेंट हो, ऐसे थोड़ी कि कोई लाइव वायर वहां जाके डालने जाए, पानी के आसपास तो इलेक्ट्रिसिटी रखनी ही नहीं है। ओके, अभी भी रेन का सीजन है, तो जब भी तुम स्विच ऑन करो घर में, अगर पुरानी वायरिंग्स है तो उल्टे हाथ से करो, ऐसे कभी स्विच ऐसे करो ना, फिर उल्टे हाथ से ऐसे करो, इससे क्या होता है पता है? हमारा ये साइड जो है वहां वो इलेक्ट्रिसिटी ऑपोजिट चार्ज में होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव और यहाँ सपोज पॉजिटिव, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो तुम ऐसे स्विच करोगे तो ऐसे चिपक जाओ, क्यों? क्योंकि ये यहाँ के चार्ज और वहां के चार्ज ऑपोजिट चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो चिपका हुआ ही रहेगा, तुम निकालना चाहोगे शायद तो भी निकल नहीं पाओगे। लेकिन अगर उल्टे हाथ से किया तो करंट आ रहा है वहां पर, मैंने ऐसे किया तो करंट तो लगा मुझे, झटका तो लगेगा, बट ये रिपेलिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि वहां भी सपोज नेगेटिव चार्ज और यहां भी नेगेटिव चार्ज, तो ये रिपेलिंग इफेक्ट देगा, तो तुम
ऑटोमेटिकली तुम्हारा हाथ करंट लगा ऐसे और ऐसे किया ऐसे, अब तुम ऐसे चिपक गए और ऐसे समझ में आ रहा है ओके। तो घर पे भी तुम यूज कर सकते हो, घर पे भी बता सकते हो, हमेशा थंब वाला ये जो हमारा पाम है वो नहीं, ऑपोजिट साइड यूज करना चाहिए कभी भी ओके। इलेक्ट्रिसिटी चेक भी करनी हो ना कि कोई कभी कभी वो क्या होता है वायरिंग में अर्थिंग सही नहीं दिया होता, वो भी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो अर्थिंग सही नहीं है तो कभी कभी मशीन जो इक्विपमेंट है वहां पे भी करंट लगता है। सपोज फ्रिज है तो फ्रिज को ऐसे टच करोगे ना तो शॉक लगेगा, या वॉशिंग मशीन ओके तो शॉक लगेगा। तो तुम दूसरे को बताओ तो देखो शॉक लग रहा है, तो वैसे करके नहीं देखना, ऐसे ऐसे चिपक जाओगे ज्यादा शॉक लगेगा। उल्टे हाथ से देखना है ऐसे, और तुम तो अभी कॉन्शियस हो तो जैसे ही लगे ऐसे, बट तुम्हें फोर्स मिलेगा क्या कि तुम ऐसे ले पाओ, रिपेलिंग इफेक्ट वहां पे अट्रैक्टिंग है तो चला जाएगा हाथ वहां पर ओके। चलो तो ये डिस्टिल्ड वाटर वाला था। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, भाई टूट जाएंगे वो लोग, एसिड भी टूट जाएगा H+ आयन देगा, बेस भी टूट जाएगा OH- आयन देगा। टू टेस्ट दैट ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक बट इट एक्वियस सॉल्यूशन इज एसिडिक, हां देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई HCl गैस, सपोज HCl गैस है जिसमें पानी नहीं है, ड्राई है, और दूसरा क्या है लिक्विडियस हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके। तो ये एसिड की तरह काम करता है और वो जो गैस है वो एसिड की तरह काम नहीं करता है, वो बता दिया है तुम्हें क्यों पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया H+ आयन लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड में वो H+ आयन देगा, गैस में कैसे H+ आयन देगा भाई, तो गैस तो पूरा का पूरा ही जा रहा है, HCl पूरा गैस के तौर पे ऐसे जा रहा है, और फिर तुम वहां पर कुछ ऐसे टेस्ट करोगे कि भाई ये एसिड है या बेस है, कुछ पता चलेगा नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन है वहां पर तुम अगर चेक करोगे तो पता चलेगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि वहां पे H+ आयन्स है अलग से भी ओके। तो वही है देखो, 1 ग्राम NaCl लिया है मतलब नमक, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप एपरेटस एज शोन, ये रहा भाई, ये ले लिया सोडियम क्लोराइड, एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या डाल दिया ये रहा देखो सल्फ्यूरिक एसिड डाला ओके। देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, गैस तो आएगी। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, तो भाई ब्लू लिटमस पेपर मतलब अगर वो HCl गैस होगा तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो रेड होना चाहिए लेकिन वो गैस से नहीं होता है ओके। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, वेट से या ड्राई से, तो वेट से चेंज दिखाएगा लेकिन ड्राई से नहीं दिखाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ होपो एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट ओके, ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन, डज द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर ना हो तो HCl में से H+ Cl- हो सकता है, नहीं हो सकता, हाउ आर द हाइड्रोजन आयन्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ओके। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, H+ और H3O+ हाइड्रोनियम रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स OH-, तो यही एक्टिविटी में है ना, या चेंज हो गई, यही था ना ओके। मेंशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली इन वाटर, भाई बेस जो होते हैं अल्कली, कल बताया था अल्कली जो Group 1, Group 2 पीरियोडिक टेबल में होते हैं ओके, तो वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं सॉल्युबल ओके, अल्कली बेस, तो अल्कली बेस आर सॉल्युबल इन वाटर, गिव टू एग्जांपल्स NaOH और KOH, पहले ही ग्रुप में होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम फ्रांसियम ओके, तो पहले ही ग्रुप में होते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज, भाई बेस है
तो बेस है तो मतलब टेस्ट सोर होगा, कड़वे होंगे, बीटर होंगे, ओके कड़वे तो एसिड होंगे, ओ भाई सॉर खट्टे, हाँ वो मैं इंग्लिश और खट्टा मीठा ऐड कर रहा हूँ तो खट्टे होंगे एसिड, खट्टा मतलब सॉर होंगे एसिड, बीटर मतलब कड़वे और कड़वे होंगे बेस, ओके हाँ चलो। सो दे आर सोपी इन टच, बिटर इन टेस्ट एंड कोरोसिव, कोरोसिव होंगे ओके। स्टेट द जनरल इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो क्या है, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड एच और एक्स, बेस एम और ओ एच, एक्स ले लिया है मतलब तुम कोई भी ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, एसओ फोर ले लो, क्लोरीन ले लो, नाइट्रेट ले लो, कार्बोनेट ले लो, कुछ भी ले लो। वैसे ही यहाँ पे MOH, तो M की जगह कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो तो NaOH, Mg ले लो तो MgOH twice, कैल्शियम लो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कोई भी ले लो, ओके तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आया? इतना देख लेते हैं। हाँ, why do acids not exhibit the acidic behavior in the absence of water? क्योंकि H plus ion नहीं होते, इसलिए simple, okay? H plus ions are responsible और वो ही नहीं होते। State the ions responsible for acidic and basic behavior। Again आ गया है, acidic के लिए H plus, basic के लिए OH minus। Explain the acidic and basic behavior by reaction with the water। Water में डालेंगे तो भाई acid का प्लस माइनस अलग हो जाएगा, बेस का भी प्लस माइनस अलग हो जाएगा। आर ऑल बेसिस सॉल्युबल इन वाटर? नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं, बट अल्कली जो अभी हमने देखा ना, अल्कली जो बेस है वो है सॉल्युबल इन वाटर। देखो हाँ, ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। बाय विच नेम वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन? अल्कली, अल्कली आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे जो हमारे अल्कली है, ओके, मतलब ये अल्कली तो सॉल्युबल इन वाटर ही है, बट क्या सारे ही बेस सॉल्युबल इन वाटर है? बोले नहीं, सारे बेस सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। फिर क्या था? इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अगेन अभी तो आया क्या कि बिटर होते हैं, सोपी इन टच एंड कोरोसिव, कोरोसिव टेस्ट। Examples, NaOH, KOH. तो NaOH और KOH कौन से बेस है? Soluble है water में या insoluble? Soluble. क्यों? क्योंकि ये तो alkali है. Okay, तो वो soluble. Understood. इतना रखते हैं आज. बैटरी लो हो गई. हाँ. तो I think 4 to 5 activities are remaining. वो देखेंगे and then in text questions and exercise questions. बट अच्छे से डीपली पढ़ते रहना।